झारखंड विधानसभा चुनाव के अब तक 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने रैली की। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई जगहों पर जनता को संबोधित किया। इस बीच ओवैसी की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक महिला ने ओवैसी पर हमला करने की कोशिश की। वायरल हो रहे वीडियो को ओवैसी के हजारीबाग की रैली का बताया जा रहा है, जहां असदुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हैं। तभी एक नकाबपोश महिला ओवैसी के करीब आकर कुछ बात करना चाह रही थी और उनके पास एक बैग था। इसके बाद महिला तेजी से ओवैसी की तरफ आती है। महिला को अपने काफी करीब देखकर ओवैसी उसे धक्का दे देते हैं। फिर AIMIM के कार्यकर्ता उसे घेर लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। महिला ने बताया कि वो फ्लाइट से हैदराबाद से ओवैसी से मिलने आई है, लेकिन इसके बाद AIMIM के कार्यकर्ता उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और लोगों की समस्या सुनने के लिए वो खुद अपने ऑफिस में बैठते हैं। इसके बावजूद महिला को हैदराबाद से रांची क्यों आना पड़ा? इस घटना के बाद ओवैसी ने अपने भाषण में कहा भी कि उनके दुश्मन बहुत हैं, लेकिन वो नहीं डरेंगे और आगे भी ऐसी ही बातें करते रहेंगे। फिलहाल महिला क्यों मिलना चाह रही थी, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ डेस्क।